क्या झारखंड को लूटने वाले को आप इन्हें माफ कर देंगे क्या? माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और जेएमएम में बहुत बड़ी रेस चल रही है, लूट करने की रेस, भ्रष्टाचार करने की रेस। यहां कांग्रेसी सांसद के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए, 300 करोड़ से ज्यादा केवल कैश नगद। और आपने देखा होगा बैंकों से नोटे गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ी, मशीनें हांफती थी नोटे गिनते गिनते, थक जाती थी। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं, तभी तो झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। इतना बड़ा शराब घोटाला यहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया, पूरे राज्य के खान खनिज को, बालू को अवैध खनन कर लूटा जा रहा है। और पार्टी के छुटभैया नेता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सबके सब इसमें जुटे हैं। उनके इलाके में ही सैकड़ों करोड़ रुपयों के अवैध खनन घोटाला हुआ है। और ये लोग इतने पर ही नहीं रुके, इन्होंने आदिवासियों की जमीनें लूटने के बाद हमारे देश की सेना की जमीन पर भी आंख गड़ा कर रखी है। इतना बड़ा जमीन घोटाला जेएमएम के लोगों ने किया है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर झारखंड के मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं मेरी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड को लूटने वाले को आप इन्हें माफ कर देंगे क्या? माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और जेएमएम में बहुत बड़ी रेस चल रही है, लूट करने की रेस, भ्रष्टाचार करने की रेस। यहां कांग्रेसी सांसद के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए, 300 करोड़ से ज्यादा केवल कैश नगद। और आपने देखा होगा बैंकों से नोटे गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ी, और मशीनें हांफती थी नोटे गिनते गिनते, थक जाती थी। झारखंड को लूटने की रेस कहां कहां तक पहुंच गई है? भाइयों बहनों, आप मुझे जवाब दीजिए,
ये जो लूट का पैसा निकल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा, ये संपत्ति, ये मेरे झारखंड के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, ये आपका पैसा है। ये आपके पैसे की लूट है कि नहीं है? ये आपके पैसे की लूट है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कांग्रेस और जेएमएम आपसे किस मुंह से वोट मांगने आते हैं? ये कितने बेशरम है। लूट में पकड़े जाते हैं पर परवाह नहीं है। अब उनको दिल्ली में सरकार क्यों बनानी है? क्या आपका भला करने के लिए सरकार बनानी है क्या? क्या देश के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए सरकार बनानी है क्या? क्या ये दिल्ली में सरकार बनाकर ये पूरे देश में बेलगाम लूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 2014 के पहले भी इस देश को लूटने के सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। साथियों, इंडी गठबंधन ने झारखंड के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। जिस आरजेडी ने अलग झारखंड का सबसे ज्यादा विरोध किया, जिस नेता ने यहां सबसे ज्यादा अत्याचार किए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गया है, उनके साथ गठबंधन किया है। जो इंडी गठबंधन बिहार में जंगल राज लाया था, वही जंगल राज ये लोग झारखंड में और ज्यादा फैलाने में लगे हुए हैं। अब तो आए दिन यहां व्यापारियों को फिरौती के लिए फोन आते हैं, अपराधियों को सीधे सरकार से संरक्षण मिल रहा है। इनकी सरकार में आदिवासियों की सरेआम हत्या होती है। ये आदिवासी समाज में अपराधियों का डर कायम रखना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, झारखंड को भ्रष्टाचार और जंगल राज की आग में झोंकने वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? आपका हक लूटने वालों को सजा देने के लिए देश को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। साथियों, एक और आदिवासी विरोधी मानसिकता वाली कांग्रेस है, दूसरी ओर हमारे लिए आदिवासियों का विकास पहली प्राथमिकता है। आदिवासी समाज के विकास के लिए
सबसे पहले अलग जनजातीय मंत्रालय किसने बनाया? बीजेपी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया, तब जाकर के हमारे जनजातीय क्षेत्रों में आज विकास प्रारंभ हुआ। जनजातीय समाज के युवाओं के लिए आज बड़ी संख्या में एकलव्य आवासीय स्कूल कौन बनवा रहा है? बीजेपी। यहां भी एकलव्य विद्यालय का निर्माण तेजी से हो रहा है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसमें स्थानीय भाषाओं जनजातीय भाषाओं में शिक्षा देने का फैसला किया तो ये बीजेपी ने किया। आप मुझे बताइए भाई, क्या हमारे जनजातीय बेटे बेटी डॉक्टर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। हमारे जनजातीय परिवारों के बेटे डॉक्टर बनने चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारी बेटियां डॉक्टर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? वो इंजीनियर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? वो वैज्ञानिक बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? लेकिन इन्होंने तो हालत ऐसी रखी थी कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो, डॉक्टर की बात छोड़ दो। गरीब का बेटा गरीब की बेटी अंग्रेजी पढ़ने के लिए शहर में कहां जाएंगे, खर्चा कहां से लाएंगे? लेकिन ये आपका भाई, ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, वो आपका दर्द जानता है। और इसलिए मैंने कहा, अरे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा।